अमन शांति बनाए रखने लिए पुलिस ते मिलिट्री फोर्स के जवानों वालों फ्लैग मार्च कढ़िया जा रहा है। फ्लैग मार्च का मुख मकसद लोगों में आत्म विश्वास पैदा करना है और उन्होंने एक सुनेहा देना है कि पुलिस ते सरकार उन्होंने सुरक्षा लिए व्यापक उपराले कर रही है। उन्हें इस मौके दसिया कि पुलिस वालों शरारती अंसरां ते विशेष तौर पर नज़र रखी जा रही है और कुछ शक्की अंसरां नूं एहतियात के तौर पर हिरासत में भी लिया गया है। उन्हें कहा है कि शहर वासियों का पुलिस नूं भरपूर सहयोग मिल रहा है और इत्थे किसी भी तरह की अनसुखावी घटना होने के आसार जड़े वो नहीं है। उन्हें लोगों अपील की है कि वह किसी भी अफवाह पर यकीन ना कर, जेकर उन्होंने कोई भी शक्की व्यक्ति या वस्तु दिखाई देती है तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी जाए। डेरा बाबा नानक तो पत्रकार लवप्रीत सिंह की रिपोर्ट, KRT न्यूज़ पंजाब। गुरदासपुर पुलिस वालों गुरदासपुर अमन ते शांति नूं बरकरार रखने लई अज जिहड़ा फ्लैग मार्च किया जा रहा सब डिवीजन कलानौर दे विच। इस फ्लैग मार्च दे विच साडी पुलिस फोर्स दे नाल नाल पैरामिलिट्री फोर्स भी शामिल ने और इस मैसेज राही असीं जिहड़ा ये संदेश देना चाहते हाँ पब्लिक नूं कि जिला गुरदासपुर पुलिस पूरी तरह समर्थ आ हर किस्म की सिचुएशन नूं निपटन लई। शरारती अंसर, माड़े अंसर या गै समाज विरोधी अंसर जिहड़े आ वो किसी तरह की भी कोई इहो जिही हरकत ना करन। पुलिस उन्होंने जी हर तरह नाल नज़र ठेगी। लोगों पुलिस वालों अपील करनी चाहते हैं कि उन्होंने अपना कारोबार आम रोज़ की जिंदगी जी आम मरां की तरह जी निभानी चाहिए है। किसी किस्म की अफवाह डर भय रखने की लोड़ नहीं। जे कोई झूठी अफवाह या कुछ र्यूमर जी समाज के पिंड जी कोई फैला रहा तो उन्होंने पुलिस जी सख्ती निपटेगी। आम लोगों यह अपील है कि वह आपसी भाईचारा आपों के प्रेम प्यार वो बना के रखन तो जिस तरह गुरदासपुर जिला शुरू तो ही पीसफुल है इस तरह जी शांति बनाई रख। थैंक यू।